गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और चारों तरफ बादल छाए हुए, कोहरा जैसा है। शायद कोहरा भी हो सकता है ये, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले वहाँ नीचे बादल भी थे। गुड मॉर्निंग चंगू मंगू, गुड मॉर्निंग। ओ भाई बारिश हुई है लग रहा है। ये देखो पानी पड़ा हुआ है यहाँ पे। यस, ये तो बारिश हुई है। हाँ बारिश हुई है शायद, या ओस गिरी है पता नहीं। देखो ये बूंदे पड़ी हुई है बालकनी में, हो सकता है ओस गिरी हो क्योंकि बारिश तो नहीं लग रही नीचे देखने से। तो आज है हमारा day 2 और अभी इस होटल से हमें करना है चेकआउट। लास्ट 11 बजे तक चेकआउट है इसमें, और आज हमारा चेक इन दूसरे होटल में है, मतलब रिजॉर्ट में है। इस रिजॉर्ट से चेकआउट करके हम पहले जाएंगे घूमने। 2-3 जगह बताई हैं घूमने के लिए, वो आगे आपको ब्लॉग में दिखाएंगे। और उसके बाद शाम को हम करेंगे दूसरे रिजॉर्ट में चेक इन, और वो रिज़ोर्ट उधर है, यहाँ से दिख रहा है। ये आई थिंक ये रेड वाले हैं जो हमने बुकिंग की हुई है, तो उसमें चेक इन करेंगे शाम को। देखो नीचे आंटी जी ताज़ी ताज़ी हवा खा रही है, और यहाँ से रोड देखो क्लियर विजिबल हो रही है। इसी रोड से हमने जाना है ये वाली अपने रिज़ोर्ट के लिए और घूमने के लिए। शायद ये वाला रोड है जहाँ घूमने जाना है। तो ये है नज़ारे भाई सुबह सुबह के, बहुत ही मस्त है, बहुत ही शानदार। ये आपको दूसरे व्यू पॉइंट पे दिखा देती हूँ, दूसरी साइड से कैसा दिख रहा है। उधर सनलाइट आ गई है, और ये दोनों सोए हुए हैं देखो, वैष्णवी। रात को मच्छर का भारी प्रकोप था, इसलिए रात को 12:30-1 बजे जाके भैया से ऑल आउट लेके आए, क्योंकि वैष्णवी को बहुत ज़्यादा मच्छर काट रहे थे। फिर सुकून की नींद आई है। तो देखो भाई मॉर्निंग यहाँ की, अभी जस्ट 7:30 बजे हैं, और देखो धूप कैसे चमचमाती निकल के आ रही है। ये देखो ये है सनराइज, ये देखो। अपने नोएडा सिटी से कभी मेरे को सनराइज़ नहीं दिखता है, सनसेट तो फिर भी कभी कभी दिख जाता है, बट सनराइज़ कभी ऐसे क्लियर विजिबल नहीं होता। यह है खूबसूरत पहाड़, और इनके बीच में सनराइज़ हो रहा है, और ये यहाँ के नज़ारे। मोस्ट ऑफ लोग अभी तक सोए हुए हैं, और उधर देखो ब्रेकफास्ट के लिए चेयर लग रही है। 8:30 से 10 बजे तक का टाइम है, वो 10:30 हो ही जाता है। और आज day 2 भी हम अपना इस ब्लॉग में कवर करेंगे, तो इस ब्लॉग को पूरा ज़रूर देखिएगा। हम लोग कहाँ कहाँ घूमे, रात को हमने कहाँ स्टे किया। आई होप कि वो रिजॉर्ट भी अच्छा हो। तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ नहाने फटाफट, और जब तक ये लोग उठेंगे मैं नहा कर रेडी हो जाऊंगी, क्योंकि फटाफट से रेडी होना है। 10:30 तक हमें चेकआउट करना है, क्योंकि जहाँ हमें घूमने जाना है वो 30-32 किलोमीटर का ड्राइविंग है। वहाँ पे 2-2.5 घंटे लगने हैं पहुँचने में, क्योंकि पहाड़ है, हिल एरिया है, तो ड्राइविंग में थोड़ा स्लो ड्राइव होता है और टाइम लगता है, और चीज़ों को देखने में भी आराम से तसल्ली से अगर देखो तो फिर टाइम तो जाता ही है। और ये देखो भाई अभी कुछ नहीं था, और सामने देखो बादल आ गए, ये देखो। अभी अभी मैं आपको दिखा के गई हूँ, कुछ नहीं था, और ये देखो ये बादल फ़ोन में क्लियर विजिबल नहीं हो रहे धुंध की वजह से, बट ये देख रहे हो ये वाइट वाइट जो एरिया है ये सब बादल है। ये देखो बादल छा गए हैं, अभी भी थी थोड़ी देर पहले, जैसे ही मैं वीडियो बनाने आई फिर गायब हो गए।
लेकिन अभी फिर से विजिबल हो गए हैं। तो यही है पहाड़ों का, कभी बादल, कभी बारिश, कभी धूप, कभी छाया, मौसम बदलता रहता है। ये खेत कितने सुंदर लग रहे हैं मुझे, ऐसे खेत, ये सीढ़ीदार खेत जो होते हैं ना, मुझे बहुत पसंद आते हैं पहाड़ों पे। मन करता है वहाँ पे चेयर डाल के ऐसे ही नीचे बैठ जाओ कुछ टाइम के लिए। ये पूरा सीनरी मैं आपको जूम इन करके दिखाती हूँ। ये है भाई, ये नज़ारे है। ये देखो चिड़िया, बर्ड्स कितनी प्यारी प्यारी है। ये देखो फ्लाई कर रही है, और इनको देख के ये भी बहुत ची 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 कर रहे है। देखो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं इनको, बर्ड्स को देख के। ये देखो बर्ड्स आ रही है, ये भी इन्हीं को देख के ज़्यादा आ रही है। तो ये है पूरे नज़ारे घाटी के, ये देखिए। तो बस ऐसी हुई है हमारे दिन की शुरुआत, और देखते हैं एंडिंग कैसे होती है आज की। तो बनिए रहिएगा मेरे इस ब्लॉग में, और पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं रेडी होने के बाद। सो अभी हम लोग हो गए हैं रेडी, अभी बज चुके हैं 9:30 सुबह के, और हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने वहाँ ऊपर जहाँ पे पेंट्री बनी हुई है। और उससे पहले ये देखिए वैष्णवी से हाय हाय। बारिश का मौसम पूरा हो चुका है, लेकिन बारिश पड़ नहीं रही है। आपको बादल दिखाती हूँ, ये देखिए बादल बार बार नीचे आ रहे हैं, बार बार चले जाते हैं। पूरी घाटियाँ बादल से, देखो कितना रास्ता खतरनाक तरीके से दिख रहा है। हाँ वही चढ़ाया था ना, ढलान वही है ना, ऐसे ये 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 वाला। अच्छा हो रहा है मौसम, चलो चलते हैं ब्रेकफास्ट में, देखते क्या क्या है ना। चलो सो गाइस, हमारा ब्रेकफास्ट डन हो गया है, और अभी 10:30 बज गए हैं, और मैं कर रही हूँ पैकिंग, फटाफट से निकलना है हमें। और ब्रेकफास्ट में मैं बता देती हूँ क्या क्या था। छोले भटूरे, इडली सांभर, और बॉयल्ड एग, ग्रीन जो था क्या, पुदीना जूस, और टी थी, और अगर बच्चों के लिए या किसी के लिए दूध चाहिए तो वो भी था ऑप्शन में, और चटनी थी हरी, जैम था, ब्रेड जैम था, और यही सब था, और पोहा भी था। हाँ पोहा भी था। तो ब्रेकफास्ट ठीक ठाक था, छोले भटूरे ज़्यादा अच्छे थे, पोहा उतना खास नहीं था। इडली सांभर भी, सांभर अच्छा था, इडली थोड़ी कच्ची थी बट अच्छा था, मतलब पेट भरने लायक था कि आपको जो पसंद है आप खा सकते हो। एक दो चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि थोड़ी कमियाँ रह जाती हैं, बट ब्रेकफास्ट अच्छा था। तो फटाफट से मैं कर लेती हूँ पैकिंग, फिर हमें निकलना है। और अभी हम जाएंगे, यहाँ पे एक लोकेशन बताई है टाइगर वाटरफॉल घूमने, उसके बाद है एक चिरमिरी टॉप, वहाँ जाएंगे। ये दो चीज़ें हमें आज कवर करनी है। नितिन कर रहे हैं कार की क्लीनिंग, ये देखिए वैष्णवी भी वहीं खेल रही है। तो मैं फटाफट से पैकिंग कर लेती हूँ, कि सारा रूम एज इट इज़ बिखरा हुआ है, सारा सामान समेटना है, कार में डालना है, और फिर जाते हैं हम लोग घूमने। तो चलिए दिखाते हैं कैसे रास्ते हैं, कैसे नज़ारे हैं। मौसम अभी भी बारिश का हो रहा है, सुबह धूप आई थी लेकिन अभी नहीं है। ये देखो चारों तरफ, हर तरफ बादल छाए हुए हैं, आपको दिखा देती हूँ, इधर भी बादल छाए हुए हैं, पूरा धुंध बनी हुई है, नीचे नीचे उतर के बादल आ रहे हैं, शायद बारिश हो जाए। तो चलिए अब मिलते हैं रास्ते में आपको, या फिर टाइगर फॉल पे देखेंगे। टाइगर फॉल बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छी हाइट है उसकी, कहते हैं कि वो इंडिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। चलिए देखते कैसा है वाटरफॉल यहाँ का। सो अभी हमने कर लिया है चेकआउट, और हम लोग जा रहे हैं नीचे, जहाँ से इसका रास्ता है नीचे मेन रोड तक पहुँचने के लिए। और इस रोड की एक क्लिप मैं जो प्रकृति अनवाइंड के बारे में डिटेल ब्लॉग है उसमें ऐड करूँगी, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लग सके कि यहाँ का रास्ता कैसा है, कैसी चढ़ाई है,
कैसा ढलान है, क्योंकि कुछ लोग हिल स्टेशन पर नहीं चढ़ा पाते, तो उनके लिए एक बेसिक आइडिया हो जाएगा। तो अभी हम लोग निकल गए हैं अपने रिजॉर्ट से, और अभी निकलते निकलते 11:15 हो गए हैं, और अभी हम जा रहे हैं टाइगर फॉल की तरफ, जो कि है 30 किलोमीटर हमारे रिजॉर्ट से। गूगल मैप हमने लगा लिया है, और जिस चीज का वेट कर रहे थे वही चीज हो गई, बारिश शुरू हो गई भाई। बादल पूरे चढ़े हुए थे पहाड़ों में, बहुत दिन से वेट कर रहे थे हम लोग भी कि कल भी वेट किया कि पड़ेगी पड़ेगी, रात भी नहीं पड़ी, सुबह भी नहीं, लेकिन अब रास्ते में पड़ती हुई मिल रही है। तो आप भी मजा लीजिए मेरे इस ब्लॉग में, पहाड़ों में हल्की हल्की रिमझिम बारिश का। और वैष्णवी देखो, निन्नी आ रही है वैष्णवी को। तो गाइस अभी हम जा रहे थे वाटरफॉल, लेकिन उससे पहले एक सीनरी दिखी है, बहुत ही अच्छा व्यू है, दिखाती हूँ आपको। हेलो, ये देखिए मैं कह रहा था उसको, भाई साहब बहुत बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। जूम इन करके मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखो क्या खूबसूरत नजारे हैं यहाँ के। ठीक होगी कि नहीं होगी उनकी ये छोटा बीबी, ये देखो पहाड़ अलग ही है यहाँ पे, अलग ही डिजाइन के, मतलब जो खूबसूरती है पहाड़ों की वो अलग ही है। ये देखो उधर के पहाड़ों का डिजाइन अलग था, और इधर के पहाड़ों की देखो जो डिजाइनिंग बनी हुई थी ना पहाड़ों में नेचुरल, वो अलग है। ये देखो साजिद को पेपर भेज लेना एक बार, उससे बात भी कर लेना कि सर बताओ, बहुत ही खूबसूरत है। तो बस अभी हम पहुँचने वाले हैं ये टाइगर वाटरफॉल, मेरे ख्याल से 8 या 7 किलोमीटर बचे हैं, तो 15-20 मिनट में हम लोग पहुंच जाएंगे, और फिर आपको दिखाते हैं वहां के नज़ारे। तो हम पहुंच गए हैं टाइगर फॉल, जहां पर टिकट बनता है। इधर टिकट बना है 30-30 रुपये पर पर्सन टिकट है, और कार हमने कर दिया पार्क, 40 रुपीज़ कार पार्किंग है, और 30 रुपीज़ जो टाइगर फॉल का टूरिस्ट चार्ज है वो है। और यहाँ से ये नज़ारे हैं, उधर से गाड़ी का भी रास्ता है, आप चाहो तो गाड़ी ले जा सकते हो, लेकिन थोड़ी ऑफ रोड है, तो अगर आपको जाना है तो गाड़ी से भी जा सकते हो। देखो वहाँ से जा रही है कार, दिख रही है आपको वो कार जा रही है आगे तक। तो अभी हम जा रहे हैं ये पैदल वाला जो ट्रैक है उससे, 2-2.5 किलोमीटर के आसपास का ट्रैक है, तो हम लोग पैदल पैदल, और फिर देखेंगे टाइगर फॉल। और नीचे के नज़ारे भी बड़े मस्त हैं, पानी जा रहा है, पानी की आवाज़ भी आ रही है। तो आपको अगर पैदल जाना है पैदल जा सकते हो, और कार से जाना है बाइक कार तो आप कार से जा सकते हो, अच्छे ड्राइवर हो तो। लेकिन हम जा रहे हैं ट्रैक से, क्योंकि थोड़ी खूबसूरती के नज़ारे भी लेने हैं। ऑफकोर्स ड्राइवर अच्छे हो, पर खूबसूरती के भी नज़ारे लेने हैं। पैदल जाते रहेंगे तो अच्छे अच्छे व्यू मिलेंगे, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते रहेंगे। चलिए आप भी हमारे साथ टाइगर फॉल ट्रैक पे चलते हैं। ये हमारी छोटी वैष्णो भी जा रही है ट्रैक पे, क्या नजारे हैं। हाँ छोटा बेटा घूमने जा रही है ट्रैक पे, यस। और ये देखो भाई बेहद ही खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के, जितना कहा जाए उतना कम है। जिधर नजर जा रही है उधर हरियाली हरियाली है। ट्रैकिंग का रास्ता बहुत बहुत ही खूबसूरत है, थोड़ा सा ढाल वाला है, तो शायद उधर से वापस आएंगे जब चढ़ाई में तो थोड़ी मशक्कत होगी, पर खूबसूरत बहुत है। नेचर ब्यूटी को आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं यहाँ से, बहुत ही शानदार रास्ता है। तो ये देखो पानी की आवाज़ आ रही है, छोटा टाइगर फॉल है ये, और रास्ता बेहद 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 खूबसूरत है यहाँ का। आ रही हूँ बेटा, यस आई एम कमिंग। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए ये ट्रैक रास्ता जो है आपको कैसा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। थोड़ी सी मशक्कत तो है,
पर है बहुत अच्छा। देखिए यहाँ से नज़ारे बहुत खूबसूरत। सो फाइनली पहुँच गए हैं टाइगर फॉल के आसपास। अभी दिख तो नहीं रहा है, थोड़ा आगे है इस पुल से आगे जाके इधर की तरफ है ये जो एरिया है ना इधर। चलिए चलते हैं। सो ये है इधर वो सामने दिख रहे वही है टाइगर वाटरफॉल। ऊपर से गिर रहा है, पास जाके दिखाती हूँ। काफी साउंड आ रही है पानी की। छोटा बेबी मम कहाँ है? वैष्णवी कौन? ये देखिए चले आगे चले वैष्णवी आगे चले। सो जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत जगह है ये टाइगर वाटरफॉल के नाम से। और सच में ये झरना जो है टाइगर की तरह दहाड़ रहा है और पानी का फ्लो इधर से जाके उधर बैक साइड में आगे की तरफ बढ़ रहा है जहाँ भी जा रहा होगा। और चलिए यहाँ से जाकर मैं दिखाती हूँ, ये थोड़ी सी पतला रास्ता है यहाँ से जाने का आगे की तरफ। लोग नहा नहा के भी आ रहे हैं लेकिन हम लोग का बिल्कुल इरादा नहीं है नहाने का यहाँ पर। जैसा इस वाटरफॉल के बारे में सुना था लाइक वैसा ही है इसका फ्लो। काफ़ी हैवी फ्लो है और 350 फीट के आसपास इसकी हाइट है। और ये देखो छोटे छोटे झरने भी जगह जगह से निकल रहे हैं, यही पहाड़ों की खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और चलिए आगे मेरे साथ देखिए आप भी वीडियो में कैसा नज़ारा है झरने का। और यहाँ पर छोटे छोटे स्टेशन आई थिंक ये बने हुए हैं यहाँ पर, और चेंजिंग रूम्स भी हैं गवर्नमेंट ने बनाए होंगे तो लोग नहा नहा के चेंज कर करके जा रहे हैं, कुछ लोग चेंज नहीं भी कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग भी आगे जाके देखते हैं कैसा नज़ारा है। पानी की बौछारें यहाँ तक आ रही है। नितिन भीग जाओगे। ये है भाई टाइगर वाटरफॉल। ओ भाई ऐसा लग रहा है ना बारिश हो रही हो। ओ गॉड फोन भी गीला हो रहा है। आपको पता नहीं आवाज आ रही होगी मेरी कि नहीं, पर बहुत आवाज है झरने की यहाँ पर। बहुत बड़ा वाटरफॉल है ये देखो। ओह माय गॉड कितनी हाइट है भाई इसकी। किसी के सर पे पानी गिर जाए तो सर फट ही जाना है। ओह माय गॉड पानी कैसे आ रहा है। कैमरा भी मेरा धुंधला पड़ गया है और दिखो दे रहा है। तो भाई ये टाइगर फॉल, हम लोग सारे भीग गए हैं ऑलमोस्ट। इतनी तेज पानी का प्रेशर आ रहा है कि वहाँ खड़े रहने से ही भीग जा रहे हैं, जबकि हमारा नहाने का कोई इरादा नहीं था फिर भी भीग गए हम लोग। और अभी हल्की हल्की बूंदें भी आने लगी हैं तो अभी रास्ते में कुछ खाएंगे फिर जाएंगे चिरमिरी टॉप। आसमान में पूरा बादल छा गए तो फटाफट से हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। ये देखो भाई बादल आ गए हैं, बारिशें हो रही है, बूंदाबांदी शुरू हो गई है। चलो बारिश आई है जल्दी चलो। हाँ अभी हम लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि बारिश आ गई है बहुत ज़ोर से, भयंकर बारिश हो रही है। ये है कार पार्किंग, यहाँ हो जाती है कोई गाड़ी से आता है नीचे तक। उसके बाद थोड़ा सा जो ट्रैक है वो पैदल का है इधर जाने का वाटरफॉल के लिए। ओ भाई कितनी देर पड़ेगी ये। कोई बज गए दोपहर के 3 और हम यहीं नीचे टाइगर फॉल पे ही फंस गए हैं। बारिश हो रही है हाफ आवर से ज़्यादा हमें हो गया है यहाँ पे, लगभग 40 से 45 मिनट हो गए होंगे मुझे लग रहा है बारिश में फंसे हुए। और पता नहीं कब बारिश बंद होगी। और गाड़ी वाले आ रहे हैं जा रहे हैं लेकिन हम लोग यहीं खड़े हैं।
बारिश ने अच्छा फंसा दिया। देखो कब तक पहुंचते हैं ऊपर। चिरमिरी टॉप का मुझे लग नहीं रहा आज कवर हो पाएगा, क्योंकि 2:30-3 बजे हम यहाँ से निकल जाते तो 5 बजे तक पहुँच जाते। वहाँ 5:30 तक पहुँच जाओ चिरमिरी टॉप तो सबसे अच्छा व्यू उसी टाइम आता है। अब देखो अभी भूख भी लगाई है, कुछ खाना भी है, तो देखते क्या होता है, आज जा पाते हैं या नहीं, नहीं तो फिर कल का प्लान करेंगे। तो भाई हम लोग पहुंच गए हैं ऊपर वापस जहां हमने कार पार्क की थी, और बारिश की वजह से हम लोग काफ़ी लेट हो गए, 4 बज गए और हमने मैगी भी खा ली है, मैगी और चाय। बारिश रुक नहीं रही थी, हल्की हल्की बारिश में हम लोग ने चढ़ाई शुरू कर दी थी, लेकिन चढ़ते चढ़ते बारिश ऑलमोस्ट रुक गई है। अब हम लोग जाएंगे चिरमिरी टॉप। ये देखिए 4 बज गए पूरे, और जाने से पहले ये पानी पूरा क्लीन आ रहा था नीचे, और अब देखो पूरा मिट्टी मिट्टी आ रही है पानी में, काफ़ी ज़ोर से बारिश हुई है। और अभी देखो मौसम बिल्कुल साफ, और वहाँ सामने उधर वहाँ तो धूप भी निकल गई है। तो ये है भाई पहाड़ों के नज़ारे, पल भर में बारिश, पल भर में धूप, पल भर में छाया, पल भर में गर्मी, कुछ भी हो जाता है यहाँ, कुछ अनप्रिडिक्टेबल होता है यहाँ का वेदर, कुछ नहीं कह सकते। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं गाड़ी में बैठने, और फटाफट यहाँ से निकलेंगे चिरमिरी टॉप के लिए। अब हम हो गए हैं ऑलमोस्ट 1 घंटा लेट बारिश की वजह से, पर कोई नहीं, पहाड़ों में एडवेंचर तो होता ही रहता है। चलिए, और ये मैडम देखो छोटू विष्णु क्या खा रहा है, चॉकलेट। ओ भूख लगी थी बहुत ज़्यादा वैष्णवी को, थोड़ी सी मैगी भी खाई, थोड़ी स्पाइसी थी वो तो इसलिए ज़्यादा नहीं खा पाई। अब चॉकलेट खा रही है वैष्णवी। तो चलिए भाई अब हम लोग चलते हैं चिरमिरी टॉप। तो भाई अभी बजे हैं 5:30 और हम पहुंच गए चिरमिरी टॉप, और यहाँ के नज़ारे कुछ इस तरह से हैं। ये देखिए यहाँ तक गाड़ी पहुंच गई है, 1.25 घंटे की ड्राइविंग थी टाइगर फॉल से, और अभी थोड़ा सा स्लोप है ये, ऊपर जाने के लिए थोड़ी सी चढ़ाई है, इधर से हम लोग जाएंगे ऊपर। ऊपर सनसेट और सनराइज 2 पॉइंट है, उन्हें देखने हमें जाना है। और ये देखो छोटा ट्रेवलर हमारा, छोटू ट्रेवलर। ओए छोटू ट्रेवलर कहाँ घूमने जा रहे हो? चलो हाय गाइस। देखो भाई बादल पूरा चढ़े पड़े हैं पहाड़ों के बीच में, ये देखो ये सीनरी है। वहाँ पर जाना है हमें, यहाँ कुछ पॉइंट बने हुए हैं, उधर जाना है। चलो तो ये है भाई चिरमिरी टॉप, थोड़ा सा चढ़ के आना पड़ा है, सांस भी फूल गई है मेरी, और वैष्णो भी खुद से चल के आई है। ये देखो भाई 1 पॉइंट ये है इधर, और एक वो है उधर, कौन सा सनसेट है कौन सा सनराइज पता नहीं अभी, चलिए चलकर देखते हैं। पहले इधर चलते हैं ना नितिन, इधर से ये वाले पॉइंट चलते हैं। आओ वैष्णु कम, मम्मा का हैंड होल्ड करो। ये जगह भी बेहद खूबसूरत लग रही है, जैसे कि चारों तरफ इसके गहराई है, घाटियां हैं, और उन घाटियों में बादल चढ़े हुए हैं, और ये 2 पॉइंट है। अभी पता नहीं लग पा रहा कौन सा सनसेट और कौन सा सनराइज़ पॉइंट है, क्योंकि इस पर लिखा हुआ नहीं है, तो मेरे को खुद ही आइडिया लगाना पड़ेगा, वो मैं बाद में लगाऊंगी। उससे पहले आपको यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ, यहाँ के नज़ारे दिखा देती हूँ। और चिरमिरी टॉप पहुँचने के लिए जो रास्ता है, जो रूट है, वो बहुत ही ईजी है, और ये 150-200 मीटर का बस चढ़ाई है, नीचे ही गाड़ी खड़ी करके आनी पड़ेगी, बाइक है तो आप बाइक को ऊपर भी ला सकते हो। और ये देखो पूरा बादल दिख रहे हैं आपको, और ये पहाड़ पूरे बादल ने ढके हुए हैं, और चारों तरफ ऐसे वाइट वाइट बादल हो रहे हैं। और ये देखो मैं आपको जूम इन करके दिखाती हूँ पूरा नज़ारा, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है ये यहाँ पर, सनसेट या सन तो दिख नहीं रहा यहाँ से, क्योंकि रेनी सीज़न है तो सन दिखाई नहीं दे रहा, बादलों में छिपा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा इधर दिख रहा है, मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ। ये देखिए सन इस टाइम ये वाले एरिया में है, रेड रेड हो रहा है। अभी 5:30 बजे हैं तो सनसेट में अभी टाइम है, सन निकला हुआ होता तो शायद देखने को मिल जाता, लेकिन अभी हम मे बी आधा पौना घंटा हम यहाँ
बिताने वाले हैं। अगर तब तक कुछ दिखता है तो मैं जरूर रिकॉर्ड करूंगी और आप लोगों को भी जरूर दिखाऊंगी इस ब्लॉग में। तो भाई पता लग गया, ये पहले वाला जो है ये है सनराइज पॉइंट, क्योंकि सूर्य इधर से निकलता है पूरब की ओर, वहाँ जहाँ पहाड़ों में बादल छाए हुए हैं ये साइड से। और ये देखो घाटियों में घने घने बादल भरे हुए हैं और यहाँ के छोटे छोटे पेड़ कितने सुंदर हैं, ये देखो बहुत अच्छी ग्रीनरी है यहाँ पर, बहुत अच्छे व्यू हैं फोटोग्राफी के हिसाब से। तो ये उधर सामने से निकलता होगा सूरज और वो पॉइंट है सनसेट, क्योंकि अभी सन इधर है तो वहाँ से अच्छा व्यू दिखेगा सनसेट के लिए। चलिए आपको वहाँ चलकर भी मैं दिखा देती हूँ। और इस तरह का, ओ वाह, वेयर आर यू गोइंग सोना, नो कम, चलिए मैं आपको वहाँ पहुँचकर भी दिखाती हूँ। और ये है सनसेट पॉइंट से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखो भाई वादियाँ दिख रहे हैं आपको, बादल सारे घने घने बादल घाटियों में लहर आ रहे हैं, देखो कैसे उड़ रहे हैं, वाह। उधर होता है सनसेट, वो दिख रहा है रेड रेड, बादलों ने छिपाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत व्यू है भाई, जितना कहा जाए उतना कम है भाई इस लोकेशन के लिए। और आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कैसे घाटियाँ भरी हुई हैं बादल से, और ये बादल देखना अंदर आ रहे हैं उड़ के। अभी आपको मैजिक दिखाती हूँ, ये देखो सारे बादल अंदर घुस गए हैं, ओह भाई अंदर आ गए सारे बादल, देखो अभी पूरा क्लीन व्यू था और अभी देखो सारे में बादल बादल आ गए घाटियों से, पूरे ऊपर आ गए, ये देखो अभी सारा क्लियर विजुअल था यहाँ का, और अभी ऐसा हो गया फॉगी फॉगी। तो देखो भाई अभी सारे में बादल हो रहे थे और अब देखो सारे बादल हट गए हैं, फिर पूरा क्लियर जो विजुअल है वो हो गया है। और सनसेट भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये दिख रहा है आपको उधर सनसेट हो रहा है, और फिर से पूरा क्लियर, सारे बादल अंदर आ गए थे, पूरी धुंध छा गई थी, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था। हाय 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 हाय, बाय 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 बाय। तो जो पीछे की देखी होगी आपने, उसमें पूरी धुंध छा गई थी बादलों की, अंदर आ गए थे बादल और अभी पूरे बादल हट गए हैं, सारा क्लियर विजुअल हो गया है। तो ये है यहाँ के पहाड़ी इलाकों का मौसम, पल भर में बदलता है, कुछ नहीं भरोसा होता। और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से वापस, 6 बज गए हैं ऑलमोस्ट, और अभी हमें जाना है वापस अपने दूसरे रिजॉर्ट में चेक इन करने। पहले लेकिन चक्राता की मार्केट पड़ेगी बीच में, तो वहाँ कुछ खाएंगे पिएंगे और थोड़ा सा मार्केट घूमेंगे जो कि फेमस है यहाँ घूमने के लिए। 8 किलोमीटर से चले गए। तो अभी हम निकल गए हैं चिरमिरी टॉप से वापस अपने होटल की तरफ, जो हमने रिजॉर्ट बुक किया है आज के लिए वो भी वही है जो कल था, उसके पास ही है। तो चक्राता का जो मेन मार्केट है उसको क्रॉस करके फिर जाएंगे, अगर टाइम रहा ज़्यादा अंधेरा नहीं हुआ तो पहले मार्केट घूमेंगे, क्योंकि चक्राता की मार्केट सुना है ज़रूर घूमनी चाहिए, अच्छी मार्केट है। तो वहाँ घूम के फिर हम अपने रिजॉर्ट में जाएंगे चेक इन करने के लिए। और ये देखो रास्ता, सुंदर सुंदर पेड़, छोटा सा रास्ता है पर बेहद ही खूबसूरत है, लोग अभी भी आ रहे हैं यहाँ पर। टाइम की यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितने बजे तक आ सकते हो। 100 रुपए की पर्ची कटती है यहीं से, इसी पॉइंट से जिसपे हम एग्जैक्टली अभी यहाँ हैं, और वो 24 घंटे के लिए वैलिड होती है। तो भाग भी गया। सो अभी हम लोग पहुंच गए अपने दूसरे रिजॉर्ट में और अभी टाइम हुआ है 7 बज गए हैं एग्जैक्टली, और बहुत अच्छा रिजॉर्ट है ये भी। बाकी रूम्स कैसे हैं वो अंदर जाके पता चलेगा, मैं यहाँ से आपको दिखा देती हूँ। ये है हमारा देवदार ड्रीम रिजॉर्ट, और देखिए बादल वहाँ पर भी छाए हुए हैं। और जो हमारा कल हमने बुक किया था वो देख रहे हो आप टॉप पे, कल हमने उसमें स्टे किया था, ये वाला प्रकृति, वहाँ से भी ये दिख रहा था। तो चलिए देखते हैं, पुल से होके हमें जाना पड़ेगा। और इस रिजॉर्ट के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी, कैसा है क्या है क्या प्राइस डिटेल्स हैं इसकी, ये भी हमने ऑनलाइन ही बुकिंग कराई है।
काफ़ी आरएनडी करने के बाद मैंने ये दोनों रिजॉर्ट फाइंड किए थे, और एक तो अच्छा रहा एक के साथ एक्सपीरियंस, सेकंड वाला देखते हैं कैसा है। और बेहद ही खूबसूरत है ये, कोई एक दूसरा है यहाँ पर, ये है द ग्रीन मार्क रिजॉर्ट पॉइंट कैफे, वो भी अच्छा लग रहा है, बैडमिंटन खेल रहे हैं वहाँ पे लोग, अच्छा है वहाँ का भी। और ये भी बहुत प्यारा है, झूले वगैरह इसमें भी हैं। और ये बिल्कुल सबसे अच्छी बात है इसकी, यहीं पे रोड है, बस ये दिख रहा वहाँ पे रोड चल रही है, पास ही में है रोड, ये ज़्यादा अंदर नहीं है, और ज़्यादा इसकी ड्राइविंग भी हार्ड नहीं है, ईजली हल्का सा स्लोप है बस नीचे, आप आराम से गाड़ी ला सकते हो। और भाई ये देखो पुल के आजू बाजू में क्या नज़ारे हैं, ये देखो ग्रीन 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 ग्रीन, बेहद ही ग्रीनरी है। लाए हो बैडमिंटन? ठीक है, कैंप भी है देखना, छोटे छोटे कैंप, चलो तो आ जाएगा कोई ना कोई। ये देखो भाई बादल वो चढ़े हुए आसमान में, बादलों का मैजिक है भाई यहाँ पर। A few moments later. So guys, हम लोग आ गए फिर से वापस प्रकृति अनवाइन में ही, क्योंकि वो रिजॉर्ट में सिंगल हम ही लोग थे और कोई बुकिंग नहीं थी, तो सेफ्टी के पर्पज से वो हमें थोड़ा सेफ नहीं लगा, और उसके रूम्स वगैरह भी हमें खास पसंद नहीं आए, तो हमें 1000 रुपये का तो चूना लगा है, लेकिन हमने बुकिंग कैंसिल करवा के यहाँ पे हमें रूम मिल गया, एक ही खाली था बाय लक, तो हम लोग वापस यहीं आ गए, पास ही में था, ज़्यादा दूर नहीं था, तो हम लोग फिर से यहीं वापस आ गए। 7:30 बज गए थे यहाँ हमें पहुँचने में, लेकिन अच्छा माहौल है यहाँ का, वहाँ का माहौल भी पसंद नहीं आया, और सबसे बड़ी बात हम सिंगल थे, हमें बहुत डर लग रहा था, और वहाँ का स्टाफ भी कुल 2 ही लोग थे, 2 वो और 2 हम, पूरा जंगल एरिया है, तो सेफ्टी के पर्पज़ से नितिन ने बोला मैं रिस्क नहीं लूँगा, तो फिर हम लोगों ने वहाँ से कैंसिल करके हम आ गए अपने फिर से द प्रकृति अनवाइंड रिजॉर्ट। और अभी हम जा रहे हैं ऊपर डिनर के लिए, 9 बज गए हैं ऑलमोस्ट, तो चलिए भाई आज का ब्लॉग देखते हैं डिनर में क्या क्या है, उसके बाद मैं आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करूँगी, बहुत थक गए हैं। यहाँ का माहौल ही अलग है, मतलब किसी का भी मन लग जाए यहाँ ऐसा माहौल है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ आ गए कि 1000 रुपये का नुकसान झेल लेंगे भाई, लेकिन घुट घुट के नहीं रहेंगे वहाँ पे, तो हम लोग यहीं आ गए हैं। चलिए अब चलते हैं डिनर करने, बॉनफायर हो रहा है, धुआं उठ रहा है, ऊपर बॉनफायर है, चलिए देखते हैं, थोड़ा ठंड भी हो रही है, अभी चलते हैं। तो देखिए भाई कल जैसा माहौल आज भी है यहाँ का, बॉनफायर, इधर म्यूजिक के साथ अपना डिनर एंजॉय करो। तो भाई बहुत अच्छा रिजॉर्ट है ये, हम लोग तो धक्के खा के आ गए, उसका प्राइस ऑलमोस्ट 4,000 3500 के आसपास था, आई थिंक बताया हमें 4,000 था, बट वर्थ इट नहीं था, इसके पैसे एटलीस्ट वर्थ इट तो हैं। सो अभी बज गए हैं रात के 11:30 ऑलमोस्ट, और वैष्णवी और उसके पापा घूम रहे हैं बाहर, झूला वगैरह वो लेके उनको घूम रही है, क्योंकि उसको भी नींद नहीं आई है, ये प्रॉपर्टी उसको भी बड़ी पसंद आई है भाई, अंदर ही नहीं आना चाहती बाहर, कभी झूला कभी जंपिंग कभी ये, बच्चों के लिए क्योंकि काफ़ी ऑप्शन है, तो वो अंदर रूम में टिकना नहीं चाहती है, और मैं तो हो गई बहुत ज़्यादा टायर्ड, तो मैं तो जा रही हूँ भाई सोने, बिस्तर में लेट चुकी हूँ जैसे कि आप देख रहे हो, बस अब लेट जाऊँगी, वो लोग जब आएंगे तब आएंगे, तो मैंने सोचा सोने से पहले एक बार ये ब्लॉग यहीं पर एंड कर देती हूँ, कल का फिर से 3rd डे का फ्रेश ब्लॉग बनाऊंगी, तो चलिए मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में, बाय बाय, टेक केयर। और आपको ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और आज जो 2 चीज़ें हमने घूमी, टाइगर फॉल और चिरमिरी टॉप, तो हमें ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा।
चलिए बाय बाय, टेक केयर।